है कि सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। तो ये पीवीसी पाइप अपना लाइट फिटिंग का, और ये कोनी है। तो गाइस स्वागत करते हैं अपनी न्यू वीडियो में। तो हम जा रहे हैं आज हमारे गांव की रुंडी पे, यहाँ पर देव महाराज का स्थान बना हुआ है ऊपर भगवान का। तो हमारी कुछ भैंस बीमार हो गई थी, तो उसके चक्कर में हम वहाँ पर नारियल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं भगवान के वहाँ पर, और दिखाते हैं अपने गिम्बल से ड्रोन शूट। तो चलो चलते हैं। तो गाइज आ चुके हैं हम मंदिर परिसर में, देख सकते हो आप पीछे मंदिर बना हुआ है, और हम गांव से बहुत ऊपर हैं। यहाँ पर हवा भी काफी तेज चल रही है, पीछे भगवान विराजित है, अभी मंदिर में इनकी स्थापना नहीं हुई है। तो अपन ये नारियल वाला काम करके फिर ड्रोन शॉट लेते हैं। सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। इसके मैकेनिज्म की बात, तो हमने यहाँ पर लाइट फिटिंग का सामान यूज किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पीवीसी पाइप अपना लाइट फिटिंग का, और ये कोनी है। तो इन कोनियों में अपन ने बालू रेत भरी और गैस पे कम आंच में इसको अपन ने मोड़ा है, कम आंच में मोड़ा है इसको। अपन बालू रेत नहीं भरेंगे तो डायरेक्ट मुड़ जाएगी, तो वो खराब लगेगा। तो अपन ने इसको ऐसे मोड़ा है तीनों कोनियों को, और उसके बाद अपन ने जो लाइट फिटिंग की फ्रेम आती है रिप, उसको काट लिया है। तो आधी आधी अपन ने काट कर फेंक दिए ऊपर ऊपर की, और जो नीचे नीचे वाला हिस्सा है उसमें से एक ढक्कन जैसा रहता है, एक ढक्कन रहता है और एक नीचे ठुकने वाली रहती है, तो ये दोनों को जोड़ दिया। और यहाँ से अपन ने फेविक डाल दी, और इसके ऊपर एक खड़ी लगा दी और एक इधर खड़ी लगा दी, इन फेविक से चिपकाया इनको। और यहाँ पर हमने कट लगा दिया ताकि कैमरा अच्छा दिखे अपना। यहाँ से मोबाइल रख दो इसमें, और इसके जो है ये अंदर वाली बात हुई अभी, तो अंदर हमने भरी है इसके अंदर बालू रेत यहाँ तक इसके अंदर, तभी इसमें वजन है उसके कारण ये ऐसे करता है। तो इसके अंदर बालू रेत भर दी, और इधर से अपन ने डट्टे लगा दिए काई के कपड़े के, कपड़े के डट्टे लगा दिए दोनों तरफ। और हमने इसके यहाँ की बात कर लेते हैं, हम यहाँ पर अपन ने एक ढक्कन कसा इसके अंदर, और ढक्कन के अंदर यहाँ से नट कस दिया अंदर से नीचे से, और उसके बाद में अपन ने यहाँ पर एक एमसील लगाई है, और इसके इसमें तीन ढक्कन है, तो एक ढक्कन तो अपन डायरेक्ट कस दिया, और दूसरा वाला ढक्कन है उसके अंदर अपन ने एक इधर से छेद किया और एक इधर से छेद किया, देख सकते हो आप यहाँ पर छेद किया अपन ने, और ये जो छेद किया है उसमें अंदर अपन ने नट लगाया, उसके कारण ये ऐसे हिलता है ये वाला ढक्कन, और एक ये बाहर वाला ढक्कन जो यूं हिलता है। तो इसमें भी अपन ने यहाँ से ढक्कन में नट कसा, और यहाँ पर भी नट कसा है, उससे ये ऐसे मुड़ता है। उसके बाद अपन ने यहाँ पर इसको ज्वाइंट करने के लिए, यहाँ ढक्कन पे इसको ज्वाइंट करने के लिए अपन ने एक पत्ती लगाई, और पत्ती के अंदर से छेद करके और नट निकाल दिया आर पार, और यहाँ पर अपन ने एक और पत्ती लगाई है, और उस पत्ती में अपन ने दोनों तरफ स्क्रू कस दिए, तो वो पत्ती भी नहीं हिल रही यहाँ से। और अपन ने इस पर काली टेप लगाई थी नॉर्मल वाली, और ये फ्रेम हमने इसके ऊपर चिपकाई है, यहाँ पर अंदर नट कसे है दो फ्रेम के अंदर, और फ्रेम हिलती भी नहीं, और ये तार बांध दिया ताकि मोबाइल यहाँ पर लगा के बांध लो मोबाइल ऐसे करके, तो मोबाइल भी नहीं गिरता। और यहाँ पर हमने बाहर जो एमसील लगाई वो हमारी थोड़ी हल्की वाली है, तो ये घूम रहा है ढक्कन, और आप थोड़ी हेवी वाली एमसील लगाना, तो उसके कारण ये हिलेगा भी नहीं। और ये बेस्ट काम हो गया अपना, बढ़िया काम बन गया। तो ये हो गया अपना देसी जुगाड़, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर। तो गाइज आई होप कि आपको आइडिया समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।